एक बार फिर से सोच लीजिए भाई साहब, कम से कम एक बार कनिका जी को समझाने की कोशिश तो कीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर आयान को बिजनेस से निकाल दिया तो सारी चीजें मैनेज कैसे होंगी, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आयान ही हैंडल करता है। गोविंद भाई एकदम ठीक कह रहे हैं भाई साहब, और भाई साहब सच तो ये है कि आयान आपका बेटा है। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हार्श डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो तुम लोग चाहते क्या, आयान को रखने के चक्कर में हम सब बिजनेस से बाहर हो जाए? अरे शुक्र मानो हम अब तक यहां बैठे हुए हैं क्योंकि आयान ने जो किया है ना, उसके बाद कनिका अगर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खींच भी लेती ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक शर्त रखिए बस, आयान को बिजनेस से निकालने के लिए। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट, हमें पहले अपने फैमिली के बारे में सोचना होगा। आई होप मेरे इस डिसीजन से आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ यार। क्या हुआ, आप सब लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? ऑल ओके? आयान, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन तुझे बताने के लिए आ गया है। बोलो चाचू। कनिका जी और भाई साहब इन्होंने साथ मिलकर डिसाइड किया है कि आज के बाद तू इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। व्हाट? तू समझने की कोशिश कर आया, यहां पर चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही है, पर कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम फिर से ज्वाइन कर लेना। बातों को शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है, यही सच है। तुमने फैमिली की इज्जत को ताक पर रखकर उस लड़की को चुना है, तो इस फैमिली बिजनेस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस बिजनेस से बेदखल कर रहा हूं। ठीक है बाबा, आपने फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं आज ही बिजनेस से रिजाइन कर दूंगा। आप अपनी उंगली थमाकर आप मुझे इस बिजनेस में लाए थे, इसलिए आपको पूरा हक है कि आप जब चाहे मुझे यहां से बेदखल कर दें। मैं तो कभी बिजनेस ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था, तो आपकी खुशी के लिए, आपके लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। आप मुझे यहां लाए बाबा, और अब आज जब आप ही नहीं चाहते कि मैं आ रहा हूं, ठीक है बाबा, अब मैं अपनी लाइफ गिल्ट फ्री होकर अपने तरीके से जी सकूंगा। हां तनु, जैसा कि तूने कहा था, आयान को बिजनेस से बेदखल कर दिया गया है। थैंक्स मॉम। अब आप देखना, जैसे आज आयान के बिजनेस में पोजीशन छीनी है, वैसे ही एक एक करके उसकी हर चीज छीन लूंगी। उसे इतना अकेला कर दूंगी कि एंड में उसके पास कोई नहीं बचेगा मेरे सिवाय। वो सब तो ठीक है बच्चा, लेकिन एक बात मत भूलना, डिवोर्स पेपर्स भले कोर्ट ना पहुंचे हों लेकिन साइन हो चुके हैं, इसलिए अब तुझे हर कदम संभल कर रखना होगा। और वो पेपर्स तूने संभाल के तो रखे है ना? हाँ मॉम, आप परेशान मत होइए, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपने बहुत कोशिश की है मुझे बचाने की, लेकिन इस बार मैं ऐसा पासा फेंकूंगी कि सारा गेम ही पलट जाए। तो टेंशन मत ले तनु, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, घर पे सबको लग रहा है कि तनु कितनी बेचारी है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसने। वहां आयान और फालतू एक दूसरे के साथ सपने देख रहे हैं शादी करने के, और यहाँ तनु कुछ और ही प्लान कर रही है। अगर तूने तनु के साथ शादी की ना, तो वो हम दोनों पे भारी पड़ेगी। मॉम कितनी बार बोल चुका हूँ आपसे कि तनु जो भी है जैसी भी है, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे हर कीमत पे पाके रहूंगा। तुझे ना तनिषा पे नहीं,
कनिका पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि बिजनेस कनिका के हाथ में। जानता हूँ मॉम, उनको ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं उनकी बेटी के लिए परफेक्ट हूँ, तभी वो उसका हाथ मेरे हाथ में सौंपेंगे और बिजनेस हैंड ओवर करेंगे। बिजनेस हासिल करना गुड आइडिया, पर तनिषा के साथ शादी करना वेरी बैड आइडिया। तुमने तनिषा से शादी कर ली तो इस घर पे तन्नू का राज चलेगा, मेरा नहीं। मॉम मॉम, आप कितने क्यूट हो, इतना टेंशन क्यों लेते हो आप? मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ, ओके? बस सबसे पहले मुझे तनु और अयान का डिवोर्स कराना है और उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। मुझे भी आप लोगों के साथ शॉपिंग पर जाना है। जब मैं मॉम के यहाँ थी तो मॉम मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी, और अब यहाँ आई हूँ तो वही चीज हो रही है। मैं चलूंगी, पहले शॉपिंग जाएंगे, फिर सलून जाएंगे, फिर पानी पूरी भी खाएंगे। बिल्कुल नहीं आयशा जी, इस हालत में थारा बाहर जाना ठीक ना होवेगा। पहले घर में सब हमारे से इतना नाराज है, थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फालतू बिल्कुल सही कह रही आयशा, ऐसी हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं कुछ नहीं कहूंगी, अगर फालतू ने कह दिया तुम जाओगी तो तुम चल सकती हो, आफ्टर ऑल घर की बड़ी बहू है ये, इसके बाद हम कैसे टाल सकते हैं। फालतू प्लीज मान जाओ ना, अच्छा इस बेबी के लिए प्लीज प्लीज मान जाओ। अच्छा चलो ठीक है, पर थारे को बाहर की पानी पूरी और चाट कुछ भी हाथ ना लगाने मिलेगा, इसी शर्त पर ले जा रही हूँ थारे को। पक्का वाला वादा? पक्का। फैमिली की इज्जत को ताक पर रखकर उस लड़की को चुना है तो इस फैमिली बिजनेस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस बिजनेस से बेदखल कर रहा हूं। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? मरने का इरादा करके निकले हो क्या घर से? यह सड़क पे चलना नहीं आता है, तानी कहां कहां से आ जाते हैं। हटना। यकीन नहीं होता कि ये मेरे ही बाबा हैं। कल तक जिनके लिए मैं दुनिया का बेस्ट बेटा था, जो मेरे माथे पर शिकन आने से पहले ही समझ जाते थे, आज उन्होंने मुझे इस बिजनेस से बेदखल कर दिया, जिसका वारिस कहते नहीं थकते थे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज से सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन तुम परेशान मत होना फालतू, जिंदगी में चाहे जितने आंधी तूफान आए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना। हे माता रानी, रह रहकर ये बेचैनी क्यों हो रही है हमारे को? पार सब ठीक तो होंगे ना? फालतू हम पहुंच गए, यहाँ राइट साइड में सिलवाएं। फालतू जरा मेरी हेल्प करो ना, ये बैग पकड़ो प्लीज। निशा जी मारे को ये ठीक ना लग रहा है, इन सबकी की जरूरत है? मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, मारे को ना कटवाने अपने बाल और ना ही इन पर लाल पीला हरा रंग करवाना है। ये सुनना था अमीर लोगों पर अच्छा लगता है, मारे पर तो कबूतर के पंखों जैसा लगेगा, पता नहीं मार सब के बोलेंगे देखकर। अयान की पसंद मैं जानती हूँ फालतू, तो तुम परेशान मत हो और मैं तुम्हारा इतना अच्छा मेकओवर कराऊंगी कि अयान तुम्हें देखकर खुद सरप्राइज्ड हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है ना मार्ट सब को यही बुला लेती हूँ, वो सामने रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अयान अभी ऑफिस में है फालतू, और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, अब मारा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है तनिषा जी। लिसन गाइस, मैं अंदर जाती हूँ, तुम्हारा डिस्कशन खत्म हो जाए तो आ जाना।
चलो फालतू, वरना हमें भी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएगा। मैं मेरा बैग भूल गई, मैं बैग लेकर आती हूँ, तुम चलो। मैडम जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, क्या हुआ है? रोड एक्सीडेंट का केस है मैम। डॉक्टर मैडम, प्लीज इन्हें बचा लीजिए। आप इन्हें इमरजेंसी रूम में लेके जाइए। नर्स, आप इनके वाइटल्स चेक कीजिए फास्ट एंड कीप ओटी ऑन स्टैंड। मैडम जी, देखिए इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप जल्दी से इनके हस्बैंड को बुला लीजिए, हमें शायद कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े। प्लीज आयशा जी, उनके बच्चे को बचा लीजिए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मैडम जी, प्लीज। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप इनके हस्बैंड को जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, उन्हें हॉस्पिटल के बॉन्ड साइन करने पड़ेंगे, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, मैं आयशा की भाभी हूँ, तनिषा मित्र, आप प्लीज ऑपरेशन शुरू करवाइए, मैं बॉन्ड पेपर साइन करवाती हूँ। ठीक, बॉन्ड पेपर्स प्लीज। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। तनिषा जी, तय कर दो रहा प्लीज, ये साइन मारे को कुछ समझदार है, कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा। तुम साइन कर दो ना जल्दी, मैं सब कुछ अब तक इन्फॉर्म कर देती हूँ। पर तनिषा जी, मैं कैसे करूँ, मारे को कुछ तो इसमें सोचना क्या है, ये नॉर्मल हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटी पेपर्स हैं। तुम जल्दी साइन करो, टाइम मत वेस्ट करो प्लीज। निशा जी, आयशा जी ठीक हो जाएंगी ना, उनके बच्चे को कुछ होगा तो नहीं, अब वो तो डॉक्टर ही बता सकती है फालतू। पर जो भी हो, तुम्हें आयशा को बाहर लाना ही नहीं चाहिए था। मैं कभी भी उसके साथ बाहर आने की फेवर में नहीं थी, तुमने कहा तो मैं मान गई, और अब देखो क्या हो गया। मुझे तुम्हें डिसीजन लेने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था, ऑलरेडी घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अब और बड़ा तमाशा हो जाएगा। सुमित्रा, ये क्या कर रही हो तुम? सारे पेपर संभाल रही हूँ दीदी, इनकी हालत देखिए कितने पुराने हो चुके हैं, इनकी तो कोनिया भी फट चुकी हैं। मैं सोच रही हूँ इनको लैमिनेट करवा दूँ। बच्चों के सारे पेपर्स मैंने बाहर निकाल दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके सर्टिफिकेट, उनके मार्कशीट, उनकी जन्म कुंडली, सोच रही हूँ कि अमर जी को देखे लैमिनेट करवा दूँ। ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैंने एकदम संभाल के रखे थे। कमाल है दीदी, इसे संभालना कहते हैं? हालत देखिए पेपर्स की, आपको पता भी है डॉक्यूमेंट्स कितने जरूरी होते हैं, कभी भी हमें कोई भी पेपर की जरूरत पड़ सकती है। आज अगर हमने ये पेपर्स नहीं संभाले ना तो इधर उधर हो जाएंगे। दीदी क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? वो सुमित्रा बच्चों के डॉक्यूमेंट्स निकाल रही है, लैमिनेशन के लिए दे रही है। मॉम आप ही बताइए मैं क्या गलत कर रही हूँ, पेपर्स ही तो संभाल रही हूँ। आपको पता है आजकल पेपर्स कितने जरूरी होते हैं? मेरी एक फ्रेंड थी, अपने सारे पेपर्स लेके ना बाहर जा रही थी, बारिश हो गई, सारे पेपर्स बर्बाद हो गए,
फिर बेचारी को कितनी मेहनत करनी पड़ी नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसलिए मैं सोच रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट कर दूँ मैम। आपको पता है मुंबई की बारिश और उसकी ह्यूमिडिटी का कोई भरोसा नहीं। पहली बार इतने सालों में मैं इसे कोई समझदारी की बात करते हुए सुन रही हूँ। इतनी तारीफ करने के लिए ना थैंक यू। एनीवेज कोई और पेपर्स हो तो दे दीजिए, मैं उसे भी लैमिनेट करवा देती हूँ। मुझे नहीं लगता कुछ रह गया, बस इतना ही है। दीदी इसमें तो अयान की कुंडली नहीं है। वो भी दे दीजिए, उसे भी लैमिनेट करवा देती हूँ। अब सुमित्रा अब कैसी बातें कर रही हो तुम? कुंडली को लैमिनेट करता है? और वैसे भी वो शादी के समय पंडित जी को दिखा के पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। पता नहीं कहाँ रख दी? ऐसे कैसे पता नहीं कहाँ रख दी? आप ही के कमरे में होगी दीदी। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ ढूंढ। अरे तू तो अयान के कुंडली के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। अरे करवा देंगे जब मिलेगी, ऐसे भी क्या जल्दी है। ठीक है आप लोग जैसा कहे, मैं ये पेपर जाके ना अमर जी को दे देती हूँ। ओके माँ, ये क्या नया नाटक है? बैठे बैठे खुराफात चलती रहती है उसके दिमाग में। इसे अयान को लेकर कोई शक तो नहीं आया ना? तू क्यों बोल रही है ऐसा? क्योंकि उस दिन जब मैं और अयान के पापा बात कर रहे थे तब ये सुन रही थी। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अयान की असलियत के बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कौन सी असलियत दीदी? अयान की ऐसी कौन सी असलियत है जो आप हम सबसे छुपा रही? अरे ऐसी बात है तो अयान की कुंडली उसके हाथ कभी भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया तो समझो सारे शहर को पता चल गया। इसका मतलब मेरा शक सही था। जरूर अयान की कुंडली में कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है। अब तो मुझे अयान की कुंडली ढूंढनी ही पड़ेगी। आपने अयान की कुंडली संभाल के रखी है ना? हाँ हाँ मेरे पास ही है, मैंने कबर्ड में बहुत ही संभाल के रखी है उसे, और वो कबर्ड की चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, और उसे मैं सुमित्रा के हाथ कभी नहीं लगने दूंगी, तो फिकर मत कर। मॉम वो कुंडली तो मेरे हाथ में जरूर आएगी। हाँ तनु, तनु बेटा क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? वो आयशा का एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल में हैं। क्या कैसे हुआ? अरे क्या हुआ सविता? अरे कुछ तो बोल, क्या हो क्या रहा है? मॉम अयान ने मुझसे कहा था कि फालतू को शॉपिंग पर ले जाऊं ताकि वो सब लोगों के साथ में घुल मिल जाए। फिर आयशा भी साथ चलने के लिए जिद करने लगी। मैंने उसे मना किया था कि इस कंडीशन में वो बाहर ना चले हमारे साथ, लेकिन फालतू उसे हमारे साथ में ले आई और रोड क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। और आयशा कैसी है और उसका बेबी? वो दोनों बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर ने कहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे क्या हुआ सविता? अरे आयशा कैसी है बता रहे सविता? अरे उसका बच्चा कैसा है? क्या हुआ बता रहे कुछ सविता? किंचुक बेटा जल्दी आओ। किंचुक माँ, किंचुक ऑफिस में है, क्या हुआ? आप इतने घबराए क्यों हो? आयशा उसका बेबी, आयशा का बेबी। तनु का फोन है बेबी। हेलो तनिषा कहाँ हो तुम? आयशा को क्या हुआ? अयान हम लोग यॉर्कशायर हॉस्पिटल में हैं। आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अयान मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम सबको लेकर यहाँ आ जाओ। डोंट वरी तनिषा, काम डाउन, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। माँ ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था उस लड़की के कदम शुभ नहीं है, सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे घर में, सब कुछ। माँ क्या बोल रहे हो आप, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, प्लीज चलिए मेरे साथ। अरे अयान सही कह रहा है सविता, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, तू जा अभी अयान के साथ हॉस्पिटल, जब मैं आती हूँ। हुआ इतनी चीख पुकार क्यों लगी है? आयशा का फोन आया था, आयशा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। क्या ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं जाके मंदिर में बैठ के जाप करती हूँ, तू जा बेटा सबको बता दे घर में, ठीक है? ठीक, सेठ को फोन करती हूँ।
हॉस्पिटल के ड्रामे में ना मुझे बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अयान की कुंडली ढूंढने का। हे भगवान, प्लीज आयशा का ख्याल रखना, उसके बच्चे का ख्याल रखना, मेरी भी थोड़ी सी मदद कर देना, क्योंकि ऐसा मौका ना मेरे हाथ में फिर आने वाला नहीं। अब तो अयान की जन्म कुंडली सबके सामने बाहर निकालनी ही पड़ेगी, पर चाबी का क्या करूं? चाबी तो अम्मा अपने साथ लटकाए घूमती है, कुछ तो करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।